हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बच्चों हम आपके सामने एक मैथमेटिशियन डी मॉर्गन लॉस जिसने अद्भुत काम किया हम लोगों के लिए, उस लॉ के बारे में बात करेंगे और उस लॉ का मतलब क्या है उसको विजन के थ्रू समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, एलजेब्रिकली समझेंगे और उसको कभी भी लाइफ में आ जाएगा तो उसका यूज़ करेंगे। अब देखो बच्चों, आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पता चल ही चुका है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा काम आती है, यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड आ जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है। अब सपोज आपके पास एक बैग है, उसके अंदर 100 नंबर्स हैं। अब मैं कहता हूँ नंबर जो है एटलीस्ट 1 जरूर आना चाहिए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 100 आ सकता है। तो इसके लिए आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 99 टाइम तक प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब जैसे सपोज आपके बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है 30 मई को, तो उसके अंदर आपके मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट आपका 1 मार्क जरूर आना चाहिए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो कहाँ तक आएगा, 100 तक। और आज यदि आपने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ सीख लिया तो आपको पूरा मालूम है कि वो यूनिवर्सल सेट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस पी ऑफ 0 करोगे तो आपके पास सीधा काम हो जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ द डी मॉर्गन लॉ। तो इसको बच्चे सब लोग जो हैं जस्ट ऐसे ही फटाफट समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत जगह है, बहुत ज़्यादा है। तो कभी आप लोगों के साथ बैठेंगे तो इसको डिटेल में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। आज इसको विजन के थ्रू आपको दिखाएंगे। इधर देखो बच्चों, ए यूनियन बी आपको कभी मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आपको आज इसका विजन पता चलेगा। बाकी आपको वैन तो मालूम ही है, यूके का मैथमेटिशियन था, उसने इन सब चीजों को हमारे लिए कैसे विजन और क्लियरिटी बनाई तो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ये जो यूनियन है बच्चों, उसने हमें बताया कि ये यूनियन का जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, इंटरसेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। तो ये बच्चों इंटरसेक्शन हो गया और बी का भी क्या हो गया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। ये लॉ था और ये लॉ जो है आपने याद रखना है और समझ आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब देखो बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको मैं आपको विजन के थ्रू दिखा देता हूं और ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। इधर देखो बच्चों, ये आपके दो डिसजॉइंट सेट ले लिए, ये आप लोगों को मालूम है, ये क्या बच्चों आपका यूनिवर्सल सेट है। क्या बच्चों, यूनिवर्सल सेट है। ये आपका ए सेट है और ये आपका क्या बच्चों, बी सेट है। जहां तक बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, अच्छी तरह समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में निकाल रहा हूँ। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने रेड रेड शेड किया है वो क्या बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये विजन आपके पास क्लियर हो गया। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चों है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा और उस राइट हैंड साइड के बारे में आप डिस्कस करते हैं और उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के अंदर जो एलिमेंट क्या होता है, कॉमन होता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब आप मुझे बताओ बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है, ये सेट आपका बी है, ये ए सेट है, इधर भी मैं लिख देता हूँ ये ए है, ये बी है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बच्चों बताओ क्या होगा, इसको ग्रीन पेन से कर देता हूँ। तो शीन आप बताओ बेटा, ये मैंने सही शेड किया है या गलत शेड किया है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। मरमीत आप बताओ बेटा, आर्यन आप बताओ, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही, अच्छी तरह समझ आ रही है। ये क्या बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट है, इज इट क्लियर। अब इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट दिखाना होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाएंगे आप लोग बच्चों, ये सेट आपका यूनिवर्सल सेट है। अब आप इसमें ये कॉन्ट्रा, ये आप आर्गुमेंट मत करना कि ये छोटा था या बड़ा था, तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू कैमरे के अकॉर्डिंग बना दिया है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और अब बी का जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों वो कैसे निकलेगा, उसको रेड से मैं शेड कर देता हूँ। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा बच्चों, इधर आएगा, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। और इधर भी आएगा बच्चों, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इधर आ गया। अब बच्चों मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन।
जिसे इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एंड कहते हैं, जिसे इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एंड, जिसे इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एंड कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो बच्चों, यहां पर और यहां पर दोनों के अंदर कॉमन कौन सा पोर्शन है, इधर देखो दोनों सेट्स के बाहर जो है दोनों के अंदर है, बात आ रही है बच्चों समझ। और बाकी तो ये वाला जो रेड वाला है वो इसके अंदर नहीं है, और इधर ग्रीन वाला इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आपका सेट ए है, ये सेट आपका बी है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है जो दोनों के अंदर है वो कौन सा है बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है अच्छी तरह, बोलो बच्चों, क्लियर है, ओके। तो अब आप देखो बच्चों, ये वाला आपका क्या आया, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये राइट हैंड साइड आ गई है, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आप दोनों को देखेंगे तो दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह लिखा जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है, और इंटरसेक्शन क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। तो ये तो हुआ हमारा एक विजन का वे कि जिससे आप इसको समझ सकते हैं। अब बच्चों इसको मैं एल्जेब्रिकली समझाता हूँ, इसको अब आप एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, और एल्जेब्रा से थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं तो आपने घबराना नहीं है। अब बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, अब देखो बच्चों इसके अंदर जो आपने बिलोंग सीखा था ना, जो लैंग्वेज सीखी थी, वो लैंग्वेज आपके काम कैसे आएगी। इधर देखो बच्चों, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री का मतलब समझते हैं बच्चों, कोई मान लिया हमने, एक्स बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी बार का क्या बच्चों, एलिमेंट ले लिया कोई हमने, यदि ये एक्स इससे भी बिलोंग कर देगा तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा बच्चों, कंटेन करेगा। इसी तरह कोई एलिमेंट इसका लेंगे और वो इसको भी बिलोंग करेगा तो इसका मतलब वो इसको कंटेन करेगा, तो उन दोनों इनक्वालिटी से हमारे पास आ जाएगा कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात समझ आई या नहीं। अब मैं एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करूंगा, कोई मैंने एक एक एक्स एलिमेंट ले लिया, वो दोनों से क्या कर रहा है बच्चों, बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग। तो इधर देखो बच्चों, इसको लिखते कैसे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, समझिए बात बच्चों। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो इधर आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बात समझ आई या नहीं, ठीक है। इसका मतलब एक्स जो है डज नॉट बिलोंग ए, एंड दस एक्स डज नॉट बिलोंग बी, तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही, एक्स ना तो किससे बिलोंग करता है, ए से, और ना ही किससे बिलोंग करता है, बी से। इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग करता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो नोट वाला था अब ये कहां चला गया, इधर आ गया, और इधर भी क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ये बात है समझ आई, दोनों को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बिलोंग का मतलब समझते हैं ना आप, इसको बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था, तो इसका मतलब एक्स जो है बच्चों किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी या नहीं होगी। मैं लेके चला था इस एलिमेंट को यहां से और वो बिलोंग कर रहा है इससे, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है किसका सबसेट है, ये बात समझ आती है नहीं आती, वो इसका क्या है बच्चों, सबसेट है, वो इसको लेके चला था और उससे क्या आ गया, प्रूव करके ये आ गया। अब इसी तरह मैंने क्या किया, अब दूसरा पार्ट करते हैं, वाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब इसकी लैंग्वेज क्या कहती है बच्चों, वाई बिलोंग ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ये एंड है बच्चों, एंड और को बहुत अच्छी तरह समझ के चलना है, नहीं तो आपका मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू बी। अब ये बच्चों डैश है, ये कहाँ इंपैक्ट डालेगा, कहाँ असर डालेगा, बिलोंग पे असर डालेगा, ठीक है। तो इसलिए ये नोट आ गया किससे, ए से, और वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बात आई समझ। और इसका मतलब ये है कि वाई डज नॉट बिलोंग था, वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जब हटा तो इधर कॉम्प्लीमेंट आ गया, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ए डैश
और इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा क्या था सेकंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर होगी बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ आ गई? तो ये बच्चों डी मॉर्गन लॉ है, इसको आपने लाइटली नहीं लेना। इसको मैंने आपको एल्जेब्रिकली भी सिखा दिया है और विजन के थ्रू भी दिखा दिया है। इसका एक और बताओ बच्चों, यदि इस तरह ये आपको मिल जाए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई वे समझ, दिस इज योर सेकंड लॉ। ये डी मॉर्गन के दो लॉ हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया बिलोंग और इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, यदि ये हटाएंगे तो इधर लग जाएगा, यदि इसको हटाएंगे तो इधर लग जाएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बात आपको क्लियर होगी या नहीं होगी? अब आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी किसी बच्चे ने हमसे पूछा था। तो अब आप उसको सोचेंगे और वीडियो को स्टॉप करेंगे और फटाफट उसका आंसर देंगे विद इन सेकेंड। अब आपके पास बच्चों ये पावर सेट के बारे में आप लोग जानते हैं, और इस तरह पावर सेट ऑफ फाई है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। और फटाफट वीडियो को स्टॉप कीजिए और सोचिए और फटाफट कीजिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मरमीत अब आप वापस आ चुके हैं, बताइए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। हाँ जी शीन आप बताइए, आर्यन आप बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। फोर एलिमेंट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, आपने हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, अंदर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ए सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, दो। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, उसके सारे सबसेट लिख दो। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे बच्चों, टू टू द पावर टू, चार होंगे। तो एक तो कौन सा होगा बच्चों, फाइव होगा, ठीक है, और एक कौन सा होगा, वन होगा, और एक क्या होगा, टू होगा, और एक कौन सा होगा, वन और टू होगा। तो इस तरह ये चार सेट आ गए। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब इसी तरह आपके पास कोई फाई सेट था, क्या था बच्चों, कोई फाई सेट था, तो पावर सेट ऑफ फाई के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, फटाफट देख के बताओ मुझे, पावर सेट ऑफ फाई के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट होगा, कितने होंगे, एक। तो ये बात आप लोग को समझ आ रही है नहीं आ रही? ये जीरो एलिमेंट था तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, एक ही बन सकता है। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही अच्छी तरह? अब बच्चों यदि मुझे इसका दोबारा पावर सेट लेना हो, ठीक है, यहां पर भी इसी तरह इसका मैं पावर सेट ऑफ पावर ऑफ फाइव ले रहा हूं, तो अब ये बताओ बेटा क्या क्या होगा इसके अंदर। एक तो क्या आएगा बच्चों, फाइव तो आएगा ही आएगा, और दूसरा क्या आएगा, दो हो गए, कितने हो गए, दो, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों या नहीं? इसके अंदर बच्चों ब्रैकेट्स और इसमें बच्चा कंफ्यूज कर जाता है तब दिक्कत आती है। तो कितने सेट हो गए बच्चों इसके, दो हो गए, कितने हो गए, दो, और ये आपका इस तरह आ गया, ठीक है। अब इसका एक बार और पावर सेट लूंगा मैं, पावर ओ पावर ओ पावर ओ फाइव, तो अब आप बताओ कितने हो जाएंगे बच्चों। इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, एक तो बच्चों फाइव होगा, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, फाइव मतलब नल सेट। एक ये वाला एलिमेंट्स हो सकता है, इसको लिखा मैंने, और एक ये हो सकता है, ये कितने हो गए, तीन हो गए, और एक हो सकता है आपका फाइव कोमा फाइव। तो इस तरह इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, चार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, फोर। तो इस तरह आपने सोचना है और करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।